ये दोस्तों देखें, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये लग तो ऐसे रहा जैसे तय खाना है, लेकिन ये सारे उसके जो है ना वो थे कमरे थे, और ईंटें नहीं थी क्योंकि ये पत्थर पथरीला इलाका है, तो उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल किया है। ये आप देखें, ये पत्थर है और इसके अंदर जो इसको जो सीमेंट की जगह पे जो लगाया गया है वो खास किस्म का मसाला होता है। फिर हम इसमें कैसे आए गोरे के? पर हम वो आपस में पार्टनर से चला रहे थे, पैसा लगा रहे थे। गोरा और कृपा राम। अच्छा, शराब ऊपर से आती थी? शराब ऊपर से बन के आती। ठीक है। कैप लगाया हुआ था, यहाँ इसमें आए शराब मुलाजम अक्सर जो उनके फैक्ट्री के थे वो रहते थे, उनकी रिहाइश थी, बाल बचे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और ये मेरे पीछे अभी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये शराब की फैक्ट्री थी जो 1860 में अंग्रेज ने बनाई थी। मरी ब्रेवरी इसका नाम है, और यहाँ पर हर किस्म की शराब बनाई जाती थी उस वक्त जब पाकिस्तान हिंदुस्तान एक मुल्क था। और यहाँ पर जो है ना वो शराब इसलिए बनाई जाती थी कि अंग्रेज जो है ना उसकी फौज थी और उसको बियर की जरूरियात जो उनकी पूरी करने के लिए सबसे पहला पुराना जो शराब का कारखाना था वो ये बनाया गया था। गो के अब ये फैक्ट्री जो है ना रावलपिंडी मुंतकिल हो चुकी है, ये खंडरात रह गए हैं। 162 साल पहले ये इमारत बनाई गई थी, आज भी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। और जब आप मरी जाते हैं रावलपिंडी से जीटी रोड की साइड से, तो अगर आप देखें मरी जाते हो तो राइट साइड पे पहाड़ के ऊपर ये आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। यहाँ लोग खड़े करके आते हैं, तस्वीरें भी बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये है क्या। तो ये शराब की फैक्ट्री थी जो पाकिस्तान की सबसे पहली शराब की फैक्ट्री थी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसी है और मजीद इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि पता चला कि 1947 की जब पार्टीशन हुई तो ये फैक्ट्री को जला दिया गया, बिल्कुल तबाह हो गई। उसके बाद फिर नई जगह पर ये रावलपिंडी में फैक्ट्री काम कर रही है। ये दोस्तों देखें, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये लग तो ऐसे रहा जैसे तय खाना है, लेकिन ये सारे उसके जो है ना वो थे कमरे थे, और ईंटें नहीं थी क्योंकि ये पत्थर पथरीला इलाका है, तो उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल किया है। ये आप देखें, ये पत्थर है और इसके अंदर जो इसको जो सीमेंट की जगह पे जो लगाया गया है वो खास किस्म का मसाला होता है, जो कि अपनी मैं कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि ये सीमेंट नहीं है, क्योंकि उस वक्त सीमेंट का जमाना नहीं था। ये उसमें दालें पीस के चूना और बना के ये एक खास किस्म का मटेरियल बनाया जाता है जो सीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता था, और ये सदियों इस्तेमाल खराब नहीं होता। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है आज भी जो है ना वो खड़ा है। गो के यहाँ पर छतें थी इसकी और ये खिड़कियां दरवाजे, और यहाँ अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये देखे कितना खूबसूरत व्यू है, जो कि ये जो मरी का इलाका है वहां जाते हुए, ये इंतहाई खूबसूरत जगह पे ये फैक्ट्री बनाई गई थी ताकि जो है ना वो यहाँ से जो शराब है वो दीगर इलाकों में दी जाए। ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत इलाका, और ये वो रोड है जो मरी की तरफ जाता है। ठीक है ना, मरी को दो रोड जाते हैं रावलपिंडी से, एक जीटी रोड है और एक एक्सप्रेसवे है जो मोटरवे है, लेकिन ये जीटी रोड वाली साइड पे आपको ये बिल्डिंग नजर आएगी जब आप जीटी रोड वाली साइड से जाएंगे। ये ऊपर से देखें, ये इसके ऊपर छत थी, टीन की छत थी इसके ऊपर, और ये जनाब बिल्कुल वो ओरिजिनल हालत में मौजूद है ये सारी चीज़ें। ये खिड़कियाँ दरवाजे अब यहाँ से गायब हो चुके हैं, इसलिए कि ये काबिल इस्तेमाल बिल्डिंग नहीं रही, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं ना आप ये देख सकते हैं। मैं जूम करके आपको बताता हूँ, ये एक अलमारी टाइप चीज़ बनी हुई है, लोहे का अंदर पता नहीं क्या, ये जंगला लगा हुआ है। ओहो, 162 साल पहले जनाब ये कारखाना यहाँ पे बनाया गया था। अब ये ओरिजिनल जो है ना इसका रावलपिंडी में मुंतकिल हो चुका है, ये मरी से जो है ना ये ख़त्म हो चुका है, इसी वजह से इसका नाम मरी बेवरी प्राइवेट लिमिटेड जो है ना वो रखा गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा इलाका फैक्ट्री का था, गो के ये टूट चुका है। अब ये देखें ना, ये जगह यहाँ से टूट चुकी है, ये सारा एरिया टूट चुका है। ये बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग थी और वहाँ तक बिल्डिंग थी, अब ये आप देखें, और इससे पीछे ये देखें, ये सारा एरिया मरी बेवरी का जो है ना वो था, लेकिन अब ये कुछ यहाँ पे रहायशी इमारतें बन चुकी हैं। मैरी ब्रूरी यानी अपनी बेटी का नाम रखा मैरी ब्रूरी, और ये ब्रूरी है, तो फिर इसका नाम ऐसा मरी बन गया। मरी का है ही क्या, मरी तो इलाका है ना, इलाका ही था। तो
तो फिर कृपा राम इसमें कैसे आया? कृपा राम वो आपस में पार्टनर से चला रहे थे, पैसा लगा रहे, गोरा और कृपा राम। कृपा राम तो पार्टीशन हो गई, कृपा राम चला गया, वो जो पाकिस्तान जब बनिया चला गया, वो बम्बई में जाके आपने डेरा डाल दिया, और अब अंग्रेज भी चले गए, वो भी चले गए, पीछे रह गए मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाले से, बाकी जानने जी जी दीन काम नहीं जानने रहे। ये इसके जो अंदर है, इसके जो कमरे थे ये वो हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा ये कारखाना था। ये इसका मेन गेट है, जो अब ये हॉल पता नहीं किस मकसद के लिए उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था। ये आप देखें, ये नीचे इसके सुरंगें बनी हुई हैं, ये देखें, बहुत ही मुश्किल तरीन इलाका है, यानी कि यहां पर ये सारा पत्थर लाना और फिर ये कारखाना बनाना बड़ा मुश्किल काम था, बट ये हुआ है। अच्छा ये देखे जनाब, ये चिमनी लग रही है, जैसे चिमनी नहीं होती कोई, वो लग रही है। ये जी इसका दूसरा एरिया, ये इसका दूसरा पार्ट है, वो दिखा रहा हूँ आपको फैक्ट्री का। ये सारा जो है ना वो अब एक ढांचा सा रह गया है, फैक्ट्री खत्म हो चुकी है, ढांचा एक रह गया है। और अगर आप इधर देखें तो ये है सामने वो फैक्ट्री। ओए हो, ये देखें जी, बहुत ही पुरानी और अपने दौर की बहुत बड़ी और आलीशान फैक्ट्री है ये। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, क्या बात है, चौड़ी चौड़ी दीवारें। अच्छा ये जो बिल्डिंग है ये, हाँ ये डाखाना था अंग्रेज का। अच्छा तो ये का नहीं, कृपा राम का, जिसके कागज में नाम चलता है कृपा राम। तो अच्छा ये जो है ना, ये हमारी जो पुरानी दुकानें हैं, ये भी कृपा राम की दुकानें थी, लोहार की और जो लोहे का सामान बनाते हैं। ठीक हो गया, नहीं ये जब आपके दादा थे उस वक्त फैक्ट्री, उस वक्त थी ये तैयार। तो उसके बाद अपना ये क्या नाम बताया था जो हिंदू था? कृपा राम की मलकी है, कृपा राम की। तो ये अब तक उसके नाम जा रही है, कुछ हमारे बटकों के उसी तरह पड़े हुए पीछे पुराने बटक, अब उसके नाम पड़ी है उसके नाम। तो ये कब बंद हुई थी? पाकिस्तान से पहले बंद हो गई थी यहाँ से? नहीं, यहाँ बंद जब हुई है ना, ये 47 में जलाई गई ना, तो यहाँ इसी नाम पर टंडी जा गई है। अच्छा ये जल गई थी? ये जल गई थी, चलो माजरों को नहीं देते, इसमें एक फैक्ट्री डाल दे, रोज लोग काम करें, मजदूरी करें, कम से कम 200 बंदा जो काम कारोबार करे, होटल होगा, खाने खाएंगे, कोई चीज बना। इन्हें ना माजरों को दी है, ना इसमें कुछ बनाई है, लोगों ने आस्ते आस्ते जिसके पास जगह नहीं थी, गरीब लोग थे, वो आगे बहुत अच्छा किया, छतें बहुत अच्छा किया, छतें बच्चे तो रखे ना, छतें बना दी, कोई लीगल नहीं है, ये सारे लोग ऐसी बदमाशी ना, जिसकी छत नहीं थी वो आ गए, बोलो मारो हमको, आप ही मारो, मैं बच्चे मार दूंगा। हाँ इस वजह से वो लोग बैठे। अच्छा ये माजर है, वैसे है पास ना, वैसे इसकी जमीन स्लैट हो गई, मकान रोड गया, वो आ गया, जिसके पास जमीन नहीं थी प्यो दादी की, वो आ गया, इस तरीके से लोग बैठे। अच्छा, सही। वैसे आपने इस फैक्ट्री को अच्छी हालत में देखा हुआ कि नहीं? मैं नहीं देखा, पहले मेरे वालों ने देखा, और जो काम करते रहे मरी बरूरी में, अफजल नाम था उनका,
दिल्ली मुंबई हिंदू के साथ जाते रहे आते रहे हैं। पाकिस्तान से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ गेरी थी, हम दूध अंडे ये उनको वो ये सुपराड वगैरह सब चिंडे सब ये मारे हमने ठेके रखे थे हमारे बाहर वालों ने जो बंदे रखे थे वो ला के देते थे उनको खिलाते थे अंग्रेज। अच्छा, मुंबई तक उनके साथ वो रहते इधर वो गेरी का ठेका था ये यहाँ के ठीक है और ये फैक्ट्री थी वहाँ ऊपर शराब बनती थी माल का उसमें। अच्छा ऊपर शराब बनती थी, ऊपर बनती थी यहाँ पैक में लगी हुई थी यहाँ इसको डेडी इसको कहते हैं डेडी। अच्छा यहाँ से आती थी तो इस बिल्डिंग में क्या था? इसमें रिहाइश थी अंग्रेज की हिंदू की जो मतलब जो मुलाजम काम करते थे। अच्छा शराब ऊपर से आती थी? शराब ऊपर से बन के आती ठीक है ठीक है। कैब लगाया हुआ था यहाँ इसमें आए शराब मुलाजम अफसर जो उनके फैक्ट्री के थे वो रहते थे उनकी रिहाइश थी बाल बचे थे। फिर उसके बाद गए नाबली यहाँ से ट्रक भर के यहाँ गेट से बाहर जाता था यहाँ से सीधा लाहौर जहाँ मर्जी पे इंडिया मुंबई एक ही मुल्क था ना। हाँ ट्रक भर के जाता जब पाकिस्तान बने इसको जलाया गया बस ये दीवारें गेट गई जिले में जो कैसे लेकिन है ओरिजिनल आई है ये रीजन ये पत्थर की जो बनी है। हाँ ये पत्थर उस वक्त ये उस वक्त मजदूर लेता था दो आने जवानी होती थी चार चूकी वो जहाज लेता आप एक एक जहाज दो दो जहाज लेते हैं मजदूर उसको एक दो आने लेते थे पत्थर दो रद्दे लगाते थे। अच्छा दो रद्दे ऐसे लगाते थे ठीक है मछली पाल वो इसमें ना सरिया है ना इसमें सीमट है वो चूना सा लगाया हुआ दालें और चूना ये इसमें ऐसा केमिकल पाया हुआ है कि हमारे पाकिस्तानियों ने सीमट से भी केमिकल ये मजबूत सही कह रहे हैं आपकी बात 100% दुरुस्त है। हम ये सरिया भी डालते हैं सीमट भी डालते हैं फिर भी दीवार बुड़ल बीच में 10 साल नहीं निकालते नहीं निकाल गिर जाती है ये 100 साल हो गया ये नहीं क्या बात है बाकी जल्जले आए बारिशें आई आंधियां आई बर्फ चल गई कुछ भी नहीं तो इसको इस ये उसी बात बस ये नहीं नहीं ये देखे ना ये मेरा ये जली हुई है ना अंदर ये वही है पुरानी वो जो दीवार काली नजर आ रही है काली जली हुई इसके अंदर लकड़ी लगी ये सारा लकड़ी का काम कोई जंतर नहीं लकड़ी चार कर सब छते भी लकड़ी सब छते लकड़ी की इसके फर्श लकड़ी की दो ये दो तीन मंजिल बिल्कुल सही हो ये तीन मंजिल लकड़ी के बाले डाल के और फट डाल के उसके ऊपर फट डाल क्या बात देखिए जी कैसी उस दौर में था तकनीक और आपने देखी है कि नहीं आपने नहीं देखी हाँ आप शावर वाला है ये आज इलाके में आज कमरे में ऊंची बनी है। अच्छा बहुत ही अंगीठी भगवान को जुड़ रहा हूँ ये देखे अंगीठी ये बनी हाँ जी ये अंगीठी बनी थी इसमें लकड़ी जलाते थे धुआं दीवार से वो ऊपर चिमनी से बाहर जाता था। अच्छा ये नीचे में था वही है ये भी नीचे वही है दोनों का यही अंगीठी है इस मंजिल की आगे आगे वो ऊपर वाली मंजिल की अंगीठी। अच्छा यहाँ छत थी इसके दरमियान ये छत थी इसके दरमियान और ये नीचे वाले यूज करते थे वो ऊपर वाले वो ऊपर और मेरा ख्याल इससे ऊपर भी था कुछ ना ऊपर कुछ नहीं ऊपर ऐसे छत चादर की छत। अच्छा 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 चादर की छत ठीक हो गया ये हमारा हमारे पाकिस्तानी हमारे नलायक सही मीडिया में बताए मेरी सही कह रहे बाकी सब मुझे कोई डर नहीं नहीं डर की क्या बात है नलायक पाकिस्तान को बुला नहीं सके खा सके बना नहीं सके इसको बनाएंगे ये हमारा अमेरिका से और यूरोप से वन नंबर हमारा मुल्क जिसका ज्यादा हमने बनाया था ना उसने भूखा पेट पड़ासा और बीमारी उसको लगी किसी भी की बीमारी थी ज्यादा